दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के, जिसका साइज है 15x35। जैसा कि हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर इस मॉडल को डिजाइन कर रहा हूं और इसका साइज 15x35 फीट है। इसमें आपको दो बेडरूम, स्टेयर्स, लेटरिन बाथरूम, किचन और आपको एक ओटीएस संचाल भी मिलता है, जहाँ पर वेंटिलेशन की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली होती है। इसका मैंने 3D मैप क्रिएट किया है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। इसका ग्राउंड, फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर। लेकिन आप बने रहें स्टूडियो में। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। और दोस्तों, यदि आप किसी भी टाइप का स्कूल घर बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का यूज़ कर सकते हैं, जिसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका किसी भी टाइप का मॉडल 2D और 3D डिज़ाइन किया जाएगा। हालांकि उसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने होंगे, उसके संबंध में आपसे हम व्हाट्सअप या फ़ोन पर बात कर लेंगे। तो दोस्तों, जिस मॉडल को हम डिस्कस करने वाले थे वो ये मॉडल है 15x35। जैसा कि मैंने इसका आपको डिस्क्रिप्शन में बता रखा है, इसको डिस्कस करेंगे। फ्रंट में इसका रोड है और ये आपको ऊपर जाने के लिए मैंने स्लोप बना रखा है। इसका मेन डोर है और ये फ्रंट में एक डोर है जिसमें आपका मैंने सेपरेट डोर और विंडो दिया है इसी को पूरा, और ये डिजाइनिंग का पार्ट है, ये दो विंडो लगा रखा है मैंने, तो इसी को पूरा डिस्कस करेंगे 15x35 में हाउस प्लान। तो चलो सबसे पहले इसके हम ग्राउंड फ्लोर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये इसका फ्रंट व्यू है। इसका मेन डोर ये है और ये आपका जो रूम है उसका डोर और विंडो मैंने दिया है। जैसे आप मेन डोर से एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको स्टेयर्स मिल जाती हैं, जो कि आप इधर से चढ़ेंगे और राउंड होकर फिर से चढ़ जाते हैं। यहीं से आप एंट्रेंस कर सकते हैं इस रूम में, इस बेडरूम में। इस बेडरूम से होते हुए आप अंदर जा पाएंगे। यहाँ पर आपका, आप चाहें तो यहाँ भी एक लगवा सकते हैं डोर डायरेक्ट जाने के लिए। अगर आप चाहते हैं इस रूम से होकर जाना तो आप इस रूम से भी यहाँ पर जा सकते हैं। इस रूम से होकर अब आ जाता है आपका ये पोर्च, जो कि आपका स्पेस मिलेगा। और यहाँ पर ओपन किचन मैंने क्रिएट कर रखा, आप चाहें तो यहाँ से वॉल क्रिएट करवा सकते हैं, और वॉल क्रिएट करवाने के बाद भी आप इसे सेपरेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसके एंट्रेंस पर आपका किचन में हो जाएगा, इसीलिए आपको यहाँ से होकर जाना पड़ेगा। अगर हम लास्ट फ्लोर की बात करें, फर्स्ट बिल्कुल लास्ट में, तो आपको एक बेडरूम मिलता है, साथ साथ ही आपका टॉयलेट और लेटरिन और बाथरूम कंबाइंड मिलता है। ये आपका OTS है, जो कि आपका वेंटिलेशन का काम करेगा। यहाँ पर आप एक जाल रखवा लें, इससे वेंटिलेशन होगा आपका इस रूम में भी और आपका किचन, लेटरिन और बाथरूम में। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी विंडो और डोर दे रखा है। तो ये तो इसका ग्राउंड फ्लोर हो गया, जो कि मैं डिस्कस कर रहा था। अब हम इसके डिस्कस करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। फिलहाल मैंने कुछ डिजाइनिंग किया है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ये टेक्सचर, ये वृक्ष वाला, और ये कुछ डिजाइनिंग का पार्ट है, मैं आपको बताऊँगा। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। तो जैसे इसके फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर है दोस्तों। पीछे बिल्कुल सेम है, वही बेडरूम, वही लेटरिन बाथरूम और आपका OTS, और ये आपका पोर्च वगैरह, किचन। ये यहाँ पर बेडरूम था, यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया, ऐसे वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना हो। ये आपकी स्टेयर्स हैं। फ्रंट में मैंने ये डिज़ाइन कर दिया है थोड़ा सा, जिसमें आपका विंडो दे दिया है और ये आपका रेलिंग लगा दिया है, तो दोनों तरफ। तो ये पूरा इसका फर्स्ट फ्लोर है, फिलहाल वही चीज़ें, सिर्फ थोड़ा सा डिजाइनिंग कर दिया है। लास्ट फ्लोर की बात करें तो ये इसका लास्ट फ्लोर है, जहाँ पर मैंने जो स्टेयर्स थी आपको ऊपर से नीचे तक आपको ले जाएंगी, और यहाँ पर डिजाइनिंग मैंने किया है। तो ये पूरा 15x35 में हाउस प्लान क्रिएट हो जाता है। ये देखिएगा लास्ट फ्लोर, चारों तरफ बाउंड्री है बस, और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो ये पूरा डिज़ाइन था, जैसा कि मैंने डिस्कस किया 15x35 में। कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई भी आपको यहाँ पर सजेशन या प्रॉब्लम लग रही तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपको ये मॉडल पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है स्मॉल हाउस प्लान। आपको यहाँ पर लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं, जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए डिजाइन करके लाता हूँ। अगर आप हमारी पेड सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड सर्विस का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका नंबर मैंने व्हाट्सअप पर दिया, मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिकमेंडेशन है, आप मुझे रिकमेंडेड मॉडल क्रिएट करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।